हेलो हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज है करवा चौथ, तो आप सभी को करवा चौथ की ढेरों सारी शुभकामनाएं। भगवान करे सभी का सुहाग बना रहे, सभी सौभाग्यवती रहें और सभी के बीच में, सभी पार्टनर्स के बीच में प्यार बना रहे। और सो मैंने भी नहा लिया है, पूजा कर ली है, घर का काम हो गया है सारा। और कल की वीडियो में आप लोगों ने देख ही लिया था, हम लोग फिर लेट नाइट आए थे, करीबन 11:30 बजे हम लोग घर पहुँच गए थे। उसके बाद भूख तो लगी नहीं थी, वहाँ रात में भी ज़्यादा कुछ खाया नहीं था, फिर मैंने पानी वानी पिया, फिर हम लोग सो गए थे। और तो कल ट्यूसडे को और आज है वेंसडे। ट्यूसडे को मम्मी जी का था ऑपरेशन, जैसे कि मैंने पहले बताया था आप लोगों को, तो मम्मी जी का ऑपरेशन बिल्कुल सक्सेसफुली हो गया था। मम्मी जी कल पूरे दिन आईसीयू में ही थे, तो वहाँ कोई रुका नहीं। फिर ऑपरेशन होने के बाद तो पापा जी और देवर सब वहीं आ गए थे, हवन में ही आ गए थे। और फिर आज सुबह पापा जी गए हैं, तो 11:30 बजे कह रहे हैं कि मम्मी जी को आप वार्ड में शिफ्ट कर देंगे, तो देखो शाम को फिर मैं भी मिलने जाऊंगी। और एक तो पंगा वहाँ है ना, बच्चों का अलाउ नहीं है वहाँ पे, मतलब नीचे हॉस्पिटल में तो अलाउ है, बट जहाँ सेकंड फ्लोर है वहाँ पे आईसीयू है, तो वहाँ पे बच्चों का अलाउ नहीं है। तो बस जाएंगे और थोड़ा सा बस मम्मी जी से मिल के आ जाएंगे कैसे हैं, बाकी कल देखते हैं, कल जाएंगे अच्छे से। क्योंकि अभी तो, क्योंकि घर आके फिर पूजा भी करनी है, करवा चौथ भी है। हमेशा मम्मी जी, मतलब रहता था कि मम्मी जी भी रहती थी तो थोड़ा वो रहता था, हाँ भाई करवा चौथ लगता भी था, पर अभी तो ऐसा मुझे लग भी नहीं रहा है। मैं ज़्यादा कुछ किया भी नहीं, मैंने थोड़ी बस चूड़ी पहन ली, बस हो गया। और मेहंदी तो मैंने एक हाथ में लगा दी थी और इस हाथ में मैंने लगाई नहीं है अभी, इस हाथ में मैं आराध्य को ही बोलती हूँ क्योंकि वो मुझे पीछे पड़ी। मम्मा मैं मेहंदी लगाऊंगी, तो मैंने कहा एक हाथ में तू लगा लियो, एक हाथ में मेरी दीदी ने कल लगा ही दिया था हवन में जब वो आए थे। और बस बाकी पापा जी के लिए भी लंच पैक कर दिया था, तो पापा जी लंच लेके चले गए हैं, तो पापा जी शाम को ही हमारे साथ वापस आएंगे। और आगे मैंने राजमा बनाई है आज राधे के लिए, फिर देवर जी भी खाना खा के फिर वो भी हॉस्पिटल जाएंगे और हम लोग फिर शाम को हॉस्पिटल जाएंगे। आराध्य अब लगाने लगी है, मेरी एक हाथ में मेहंदी, एक हाथ रह गया था, तो आराध्य और आराध्य के चाचू ने राजमा चावल खा लिए हैं और अब लगा रही है मेहंदी। इनका कुछ भी डिज़ाइन मार दे, बस रेड हो जाए थोड़ा ये वाला हाथ भी। इतने जोर के प्रेस करना पड़ रहा है, निकल नहीं रहा क्या? सही लगा दिए मैंने इस पे ना, पैन का ही दिख रहा है अंदर, पैन से ड्रॉ कर दिया था मैंने कि इसके ऊपर लगा दे, तो ये जो सबसे किनारे किनारे वाला है ये तो मैंने बनाया, बाकी आराध्य ने बनाया ये। और ये भी प्यारा लग रहा है ना, ए पी, ये आराध्य के पिताजी का नाम। पापा का नाम क्या है? अभिषेक। अब मैंने आराध्या भी लिख दिया है, मेरी प्यारी आराध्या। क्यों आराध्या, आपने इतनी प्यारी मेहंदी लगाई। सो अभी हो गया है शाम का टाइम और अभी करीबन 6 बज रहा है और अभी मैं जाने लगी हूँ हॉस्पिटल मम्मी जी से मिलने, आराध्या और मैं, क्योंकि आराध्या के चाचा भी चले गए थे, वो 4 बजे करीबन चले गए थे। तो अभी आराध्या पापा ऑटो बुक कर रहे हैं, तो फिर मैं और आराध्या ऑटो में जाएंगे और फिर वहाँ से आराध्या पापा के साथ हम लोग वापस आ जाएंगे। फिर पूजा का टाइम भी हो जाएगा और मैंने खाना बना ही दिया है, मटर पनीर बनाना था, तो पनीर था नहीं तो मैंने मटर डाल दिया है, बाकी मसाले बना लिए हैं और जैसे पनीर आएगा तो पनीर डाल देंगे, फिर आके पूजा करते हैं। और पापा जी भी हॉस्पिटल में ही हैं, अब रात में कौन रुकेगा वो तो वहाँ जाके पता चलेगा। तो अभी ऑटो आने वाला है, तो फिर चलते हैं, पहले पहले मिलकर आते हैं मम्मी जी से। हाँ। तो क्या करना है? पैर हिलाने बोल रहे हैं सर। अच्छा ऐसे, मैं सोचा आप ऐसे बोल रहे हो। मेरे को तो डर लग रहा है कि मतलब कुछ मैं ऐसे करूँ ना। अरे वो थेरेपी वाले लड़के ने ना आया कल, उसने पैर पूरा हिला दिया, पहले अभी मैं बीच में ऐसे ही करना है ना आंटी, आपको चलाना भी चाहिए ना, फिर दर्द कम है। चलाया नहीं हम, कल चलाएंगे। और चलाते हैं बेटे, और चलाते हैं एक शुगर टेस्ट हो रहा है पट्टू, अभी तो मैंने चाय पी थी मीठी, शुगर तो नहीं मैं समझे ना। ज्यादा लगा दो ना, इससे वो भी रहेगा, नींद भी आ जाए शायद, तेल लगा के ऐसे छपोड़ के ना, ऐसे नींद भी आ जाएगी। कल आओगे तो कल, मम्मी जी का ऑपरेशन है देखो हो गया, अभी तो पता नहीं चल रहा है, जैसे ये लगा रखा है और ये
पता नहीं इसमें क्या कंप्रेस हो रहा है। पूरा रावण की पूरी थेरेपी के लिए जाते थे ना मम्मी जी उसके साथ, पहले दिन पूछ क्या बजाने थेरेपी का। चलो ठीक है, 7 बज गया हम लोग जाने लगे हैं, तो अब देखते हैं मौसी आ रही है, मौसी रुकेंगे मम्मी जी के साथ रात में। अच्छी चलो पापा जी बोल रहे हैं नीचे जाने में। ये आ गया मम्मी जी का खाना, पता नहीं इसमें क्या क्या पैक हो रखा है, दाल वाल है, दूध भी आ गया, सब दूध इकट्ठा खाना पीना है क्या, ठंडा नहीं हो जाएगा वही तो। सो अभी 7:30 बज रहा है और अभी हम लोग हॉस्पिटल में ही हैं, पापा जी मिलने गए ऊपर, कुछ बर्तन वगैरह भी रखे हैं जो टिफ़िन लेकर आए थे वो लेकर आएंगे, फिर हम लोग निकलेंगे घर। हेलो हेलो बोलो राजा, हेलो देख क्या रहे हैं, देखो मेहंदी लगा रहा, मेहंदी लगाना सीख रही है। और राजा ने देखो कितनी अच्छी मेहंदी लग रही थी, मेरे कलर भी आ गया। सो मैं हो गई हूँ रेडी और अभी करीबन 9:45 हो रहा है, राधे को मैंने छत में भेजा है कि जाओ देख कर चांद आ गया है कि नहीं। चांद तो आ जाता है पर हमारे सामने ना उनका एक फ्लोर और बना हुआ है ऊपर, तो उस चक्कर में वो दिखता नहीं है, तो थोड़ा ऊपर आएगा तभी दिखेगा, तो फिर वही देखने बोला है, तो देखते हैं हो पाते कि नहीं। और मैं हो गई हूँ रेडी, मैंने पहनी ये वाली साड़ी, और ये साड़ी है ना मेरे सगाई की है, मतलब यहाँ से मिली थी मुझे, तो मैंने पहनी ही नहीं थी, तो मैंने कहा चलो आज इसी को पहनते हैं, तो मैं रेडी हो गई हूँ। और मेरा मांगटी का जो मेरा सामान था ना वो लॉकर ही खुल नहीं रहा है, तो लॉकर भी बंद रह गया, तो इसलिए मुझे आर्टिफिशियल मांगटी का ही है दूसरा, ये मतलब अलग ही पहनना पड़ा। ये तो मिल गया था पर ये वो मिल ही नहीं रहा था, और बाकी अभी ये रेड चुन्नी ओढ़ूंगी जब छत में जाऊँगी, और पीछे मैंने लगा रखा है ये देखिए, गजरा मंगाने ही भूल गई थी, तो फिर मैंने यही कर लिया। सो अब हम जाने लगे हैं छत में, और देखो हमारे बाजू में आंटी ने पूरी लाइटिंग अभी से लगा दी है, उजाला उजाला हो रहा हमारे यहाँ। कोई बात नहीं बेटा, चप्पल ही पहन के कह रही मम्मा आप चप्पल पहन के जा रहे हो, चप्पल पहन के चलते छत में। ये मेरी थाली, और अब मैं बेबी करने लगी हूँ पूजा, वो रहे हमारे चंदा मामा, और ये हमारा कैमरा मैन जो डांस कर रहा है, क्योंकि हमारे देवर जी हैं अभी वो मम्मी जी के साथ हैं हॉस्पिटल में, तो फिर आराध्य को कैमरा संभालना पड़ेगा, पता नहीं क्या करेगी कैसा बनेगी, अच्छा बनेगी वीडियो ठीक है। पूजा हो गई मम्मी जी, पूजा कर ली, पूजा हाँ। आराध्या तो नीचे चले गए अभी, उसने वीडियो उसे नहीं बनाई थी, देख रही हूँ ऐसे करना मेरे की जगह, मम्मी जी को साड़ी नहीं दिख रही हाँ। शूट हो गया है, पूजा हो गई है, अब बनाना है खाना, तो पहले तो मैं चेंज करती हूँ उसके बाद ही बना पाऊंगी खाना, क्योंकि ये साड़ी बहुत हैवी है, संभली नहीं जा रही है। सो ये वीडियो यहीं तक था, तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड प्लीज लाइक जरूर कर दिया करो यार। तो फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।